कयामत के दिन जब सारे इंसान मर जाएंगे, शैतान भी मर जाएगा, सातों आसमान टूट जाएंगे, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर जाएंगे, तब अल्लाह पूछेगा कौन बाकी। मालिकुल मौत कहेंगे अर्श के चार फरिश्ते और हम चार फरिश्ते, बाकी सब खत्म हो गए। अल्लाह हुक्म देगा जिब्रील और मीकाईल को मार दे। अर्श सिफारिश करेगा या अल्लाह जिब्रील और मीकाईल को बचा ले। अल्लाह कहेगा मेरे अर्श के नीचे मौत है और मौत का मजा सबको चखना है, और जिब्रील और मीकाईल और अर्श के चार फरिश्तों को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं, और इसराफील, अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम को मौत का हुक्म देगा और इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथ से सूर छूट जाएगा और अर्श से मिल जाएगा। फिर इस तरह इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे बस मैं बाकी। अल्लाह कहेंगे तू भी मेरी मखलूक है, तू भी मर जा। इज़राइल अलैहिस्सलाम डर जाएंगे और ऐसी चीख मारेंगे कि आसमान और जमीन धरा जाएगी। अल्लाह के हुक्म से दुनिया को मौत का मजा चखाने वाले मलिकुल मौत को भी मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह तीन बार कहेगा मेरा कोई शरीक हो तो सामने आए, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देकर कहेगा इन्नल मलिक, मैं बादशाह हूँ, मैंने दुनिया बनाई और मैंने ही मिटाई और दोबारा मैं ही उठाऊंगा।